बच्चों, ये आपके खुलते पंख पाठमाला क्लास फोर के बुक के पंचमढ़ी लेशन से मैं प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। ये पंचमढ़ी लेशन ये सिमरन नाम की लड़की से को लिखा गया है, पंचमढ़ी से लिखा गया है और उसको लिखने वाली है अपर्णा। ठीक है, तो ये है आपका शब्दार्थ और मुहावरे। सबसे पहले इसे आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। इसके बाद ये है आपका बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। पंचमढ़ी में कौन सी नदी बहती है? धेनवा नदी बहती है। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की ऊँची चोटी है? सतपुड़ा की। बी फॉल को क्या कहते हैं? तो रजत प्रपात कहते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग। पढ़ो समझो लिखो। जंगल जंगली, साहस साहसी, पहाड़ पहाड़ी, अनुभव अनुभवी, रेगिस्तान रेगिस्तानी, मैदान मैदानी, हिम्मत हिम्मती, आलस आलसी। फिर है निर्मल निर्धनमल। निर्मल हिंदी में इस प्लस के चिन्ह को धन बोलते हैं। निर्धनमल निर्मल, निर्धन जीव निर्जीव, निर्धन दोष निर्दोष, निर्धन बल निर्बल, निर्धन धन निर्धन, निर्धन कुल निर्गुण। ठीक है, नेक्स्ट है खाली जगहों को भरो। सही शब्द के सामने चिन्ह लगाना है और उसको खाली जगह को भर देना है। गुफा का दृश्य बहुत ही क्या होगा, आकर्षक था। इस पुल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना है। हिमालय का सौंदर्य दर्शनीय है। नेक्स्ट, ये इन शब्दों को पढ़ो और मूल शब्द लिखो। मीन्स हर एक पूरी लाइन में हर एक कौन सा वर्ड जो अगेन एंड अगेन बार बार आते गया है। तो फर्स्ट वाले में राष्ट्र है, इसमें देखो इसमें क्या आते गया है बार बार, मल। तो मल हो गया मूल शब्द। थर्ड नंबर में देखो सुंदर सौंदर्य, सुंदर सौंदर्य सुंदर मूल शब्द है। निर्जल सजल जलज जलाशय, जल इसमें मूल शब्द है। नामक अनाम बेनाम बदनाम, नाम इसमें मूल शब्द है। ठीक है, फिर बहुवचन लिखो। घंटी घंटियां, मूर्ति मूर्तियां, सीढ़ी सीढ़ियां, गुफा गुफाएं, धारा धाराएं, घटा घटाएं। ठीक है, अब चलो हम प्रश्न उत्तर करते हैं। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है और ये प्रश्न है। ठीक है, मैं इनके उत्तर आपको लिखवाती हूँ। यह पत्र किसने किसे कहाँ से लिखा है? यह पत्र अपर्णा ने सिमरन को पंचमढ़ी से लिखा है। पंचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थान महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, राजेंद्रगिरी, सतपुड़ा, पांडव गुफा, डेचिस फॉल है। बी फॉल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं? बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की धारा चांदी की तरह चमकती है, इसी कारण इसे रजत प्रपात कहते हैं। राजेंद्रगिरी का यह नाम क्यों पड़ा? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस पहाड़ी का नाम राजेंद्रगिरी रखा गया। महादेव गुफा की क्या विशेषता है? महादेव गुफा की लंबाई 300 फुट है, बीच में एक कुंड है। हल्के हल्के प्रकाश में गुफा बहुत ही भव्य और आकर्षक दिखती है। धूपगढ़ में अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ी पर बादलों को छूना एक सुंदर और अविस्मरणीय अनुभव है। पंचमढ़ी में कौन सी नदी बहती है? पंचमढ़ी में देनवा नदी बहती है। चौरागढ़ की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? चौरागढ़ समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। धूपगढ़ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? धूपगढ़ की समुद्र तल से ऊंचाई 4430 फीट 4430 फीट है। ठीक है बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। आप इसे लिखें, पढ़ें, याद करें और अपने परीक्षा की तैयारी करें।